आपका? मेरा नाम ठाकर गोदारा, मैं बाड़मेर से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं? मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ, आरएस की कोचिंग कर रहा हूँ। बात यह है भाई साहब कि राजस्थान में कांग्रेस आ रही थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया था। अच्छा। लेकिन कांग्रेस अपने घर के झगड़े में उलझ के रह गई है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार छत से है। अब एक दुल्ला हो तो मतलब बाराती पीछे जाए। अब हमको पता ही नहीं कि कौन सा दुल्ला है, छत से बंदे तैयार हो गए। सबसे बड़ी विकट परिस्थिति होगी। अब सचिन पायलट ने क्या किया, जो गहलोत का खास है उसको हराने के लिए मतलब उसकी टिकट काट दी। अब यहाँ से आप देख लो फुलेरा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से स्पर्धा चौधरी ने 4 साल जनता से मेहनत की लेकिन उन्होंने वंशवाद के नाम पे विद्याधर चौधरी को टिकट दे दी, फिर वो तो हारे गई। इस कारण कांग्रेस हारेगी, बाकी कांग्रेस के हारने का कोई सबसे मेन मोटिव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब की बार राजस्थान की जनता पूरा मूड बना चुकी है। एक तो ये पप्पू है और एक भारतीय जनता पार्टी में गप्पू है। पप्पू और गप्पू दोनों को नकार चुकी है जनता। हनुमान बेनीवाल के समर्थन से इस बार सरकार बनेगी। विद्या और घनश्याम तिवाड़ी जी भी इस बार राजस्थान में, हनुमान बेनीवाल ने लेकिन उम्मीदवार इतने नहीं खड़े किए ना कि सरकार। हनुमान बेनीवाल ने 57 उम्मीदवार खड़े किए हैं राजस्थान में। भारत वाहिनी पार्टी ने 75 उम्मीदवार राजस्थान में खड़ा किया है। दोनों का कुल मिला के 57 और 75 132 उम्मीदवार होते हैं भाई साहब। और आप देख लो कर्नाटक में जेडीएस के 40 उम्मीदवार जीते हुए लेकिन मुख्यमंत्री जेडीएस का है, ये कोई बात नहीं। क्या एजेंडा रहेगा आपके हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल के समर्थक? क्या एजेंडा रहेगा हनुमान बेनीवाल का? राजस्थान में टोल मुक्त राजस्थान है। टोल तो हो गया ऑलरेडी, स्टेट हाईवे पे टोल। स्टेट हाईवे नहीं भाई साहब, हम नेशनल हाईवे के हाईवे सर राजस्थान सरकार के अंडर आते हैं। भाजपा बात करती है कि हम देश में मोदी मॉडल गुजरात मॉडल लागू करेंगे लेकिन राजस्थान में इसी जगह पे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है टोल मुक्त, उनको टोल मुक्त किया जाएगा अगर हनुमान बेनीवाल की सरकार तो आती नहीं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं वो कैसे वो कैसे करवाएंगे साहब, जब दबाव देके करवाएंगे। ये देखिए हर व्यक्ति के माइंड में हर सारी चीज नहीं आती, नहीं कराया तो उनकी कमी है, इसीलिए तो नहीं है। अगर वसुंधरा जीतती है तो ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कमी है, पप्पू की कमी है। पप्पू इतने दिन बोल रहे थे हम पैराशूट उम्मीदवारों को काट देंगे लेकिन एक तरफ देखो बाड़मेर से जिस मानवेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिली उस मानवेंद्र सिंह को लाके वसुंधरा राजे के सामने खड़ा कर दिया। अब आप देख लो भाई साहब पश्चिमी राजस्थान के जिस नेता को वहां की जनता नकार चुकी है वो झालरापाटन में जाके क्या करेगा? एक मिनट, ऐसे प्रवक्ताओं वाले शब्द किसी को सुनिए, एक मिनट मैं बोलूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो असंसदीय लगे। आप किसी को ऐसे नाम से संबोधित करेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। सर आप जिस नेता के समर्थक हैं उसको अगर कुछ बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो ये अगर किसी के समर्थक है तो उनको बुरा लग सकता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, है ना, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल 100% संसदीय विचार जी जी बिल्कुल। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो हम नेताओं वाली बहस नहीं कर रहे। आजकल आपने देखा प्रवक्ता बोलते हैं पार्टियों में, पार्टियों प्रवक्ता ज्यादा बोलते हैं तो सिर फोड़ देते हैं। आम जनता जो है उसके भाव में जो देखिए सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया ग्रेप वाइन होता है जो कि इमोशंस को भी बाहर लाता है ना। अगर पप्पू कह रहे हैं या गप्पू कह रहे हैं तो ये फीलिंग उन तक पहुंचनी चाहिए, पप्पू और गप्पू तक, ताकि वो अपना पप्पू पर कम करें और गप्पू पर कम करें। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टॉल करो।